हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवम पवार वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल में। आज हमारी वीडियो रहने वाली है स्टिचिंग की। आज हम आपको बताएंगे, अभी तक हमने आप सबको कटिंग समझाई है, आज हम बताने जा रहे हैं कि हम स्टिचिंग किस तरीके से करते हैं। अगर आप परफेक्ट तरीके से स्टिचिंग करेंगे तभी आपका कोई भी आउटफिट जो आप रेडी करते हैं वो परफेक्ट तरीके से रेडी होगा। आज हम वी नेक का आपको स्टिच करके दिखाएंगे कि आप कोई भी नेक इजिली फिर उस पर स्टिच कर सकते हैं आप अपने आउटफिट पे। तो आज हमारा वी नेक रहने वाला है, क्योंकि हमारे पास एक कमेंट भी आया था कि मैं नी वी नेक बनाती हूँ तो मेरा अच्छे से नहीं बैठता है, एक साइड से इधर उधर हो जाता है। तो इस तरीके की उन्होंने अपनी प्रॉब्लम हमें बताई थी, तो उसी के बेस पे आज हमने सोचा कि हम वी नेक ही आपको स्टिच करके दिखाते हैं। तो परफेक्ट तरीके से स्टिच करने का तरीका क्या है, उसको किस तरीके से हम स्टिच करें कि आपका बराबर बैठे, सेंटर सही से रहे और इधर उधर आपका ना हो, तो वही चीज आपके साथ हम आज शेयर करने वाले हैं। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी तरह की फिनिशिंग के साथ अगर आपको स्टिचिंग सीखनी है आप हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस ले सकते हैं, जो कि 15 नवंबर से हमारी स्टार्ट हो जाएंगी। तो कोई भी इंटरेस्टेड है वो क्लासेस ले सकता है, क्योंकि सारे डाउट हम 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट की वीडियो में आपको प्रॉपर नहीं बता पाते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ माइंड में किसी ना किसी के रह ही जाता है कि इसका सोल्यूशन किस तरीके से किया जाए। तो आपको इस तरीके की प्रॉब्लम कोई भी आ रही है तो आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। और लाइक जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारी वीडियो आप सबको कैसी लगती है। और इसी तरह आप हमसे जुड़े रहिए, हम डेली कुछ ना कुछ नया आपके लिए लेके आते हैं। तो आज की हमारी वीडियो वो रहने वाली है नेक की। तो चलिए अपनी वीडियो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं, बट वीडियो को कंटिन्यू देखना है बिना स्किप किए हुए, ठीक है। चलो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपना जो फैब्रिक है वो लेंगे, इसको उल्टा करके रखेंगे और इसके ऊपर हमारी ये पेस्टिंग है, ठीक है। पेस्टिंग हमारी आप देख सकते हैं, इस साइड हमारा दाना है जो हमारे इस तरीके से आप फील भी करेंगे तब ये दाना दाना लगेगा, उसको आपको इसके ऊपर चिपकाना है। और जो ये वाली है प्लेन वाली वो ऊपर की साइड रखेंगे। बिल्कुल आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको ट्रांजी ही लेनी है, ज्यादा हल्के वाली भी नहीं कि वो चिपके ही ना, इस तरीके की लेनी है कि वो इजिली आपके चिपक जाए। अभी आप देखिए मैं इसको इसके ऊपर रख के और ये प्रेस लगाऊंगे, अभी प्रेस करके हम स्टीम कर लेंगे। और अब आप देख सकते हैं इसके ऊपर पेस्टिंग के ऊपर हमारा जो ये मेन फैब्रिक है उसका भी प्रिंट आपको दिखाई देगा। एक्स्ट्रा पेस्टिंग को हम काट देंगे, इसको हम अच्छे से प्रेस करेंगे। और अब आप देख सकते हो जो आपका मेन फैब्रिक है उसका भी प्रिंट दिखाई देता है और ये इस तरीके से अब छूटेगी भी नहीं। इसका भी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा हम कट कर लेंगे। अभी हमें क्या करना है, इसका अपनी नेक की अपनी शेप देनी है। चल काउंटर आप देखिए, पहले आपको निशान लगाना बताते हैं। ये जो कस्टमर का है उनको जो ब्रॉड चाहिए अपना 3 इंच चाहिए, सॉरी 2.5 इंच चाहिए, तो 5 इंच का इनको ब्रॉड चाहिए। आपकी पसंद है आप कितना भी ब्रॉड कर सकते हैं, बट इसमें क्या है इसमें कॉलर लगेगा तो हमने इसको 2.5 इंच ही रखा है, ठीक है। और ये हो गया आपका डीप, डीप उनको 6.5 इंच तैयार चाहिए तो हम ये 7 इंच का ले लेंगे, ठीक है। उनका जो प्रॉपर राउंड नेक बनता है उनका 6 इंच का बनता है। आपको ये बात ही बता दी थी कि अगर हम वी नेक लेंगे तो 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा ही लेते हैं नॉर्मल जितने भी आप नेक बनाते हैं। अगर राउंड नेक है तो हम 7 इंच है उसको ये 7 इंच ही रखेंगे, और अगर इसमें 7 इंच वाले में हम वी नेक बना रहे हैं तो हम 7.5 इंच रख लेंगे, ठीक है। अब हम इसको पहले इस तरीके से स्क्वायर करेंगे। कोई भी नेक बनाने से पहले हम बेस जरूर बनाएंगे। अभी देखिए अभी इसमें अभी ये भी बता देते हैं कि राउंड नेक बनाते तो क्यों हम 7 इंच लेते और अगर वी बना रहे हैं तो क्यों 7.5 लेते हैं। देखो अभी अब हम इसका हाफ कर लेंगे, ऊपर से नीचे हम हाफ करेंगे। इसके बाद हाफ के बाद ही हमें बिल्कुल यहाँ पे टच करना है, ठीक है। इसकी ये शेप इस तरीके से दे देंगे, ठीक है। अगर अब आप ये देखिए अगर मैं इसमें राउंड नेक बना रही हूं तो फिर हमारा यहां से इस तरीके से आती है शेप,
इस तरीके से अगर हमारे नेक की शेप आएगी तो हमारे यहाँ से भी ओपन हो जाएगा, पूरा हमारा खुल जाता है। और इसमें हमारा है ये वाला हाफ इंची तक, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल इतना ही खुलता है, तो इससे हमारा डीप नहीं होता है, नॉर्मली नेक ही रहेगा। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप कोई भी नेक बनाते हो, वी नेक बनाते हो जब भी, तो उसको हाफ इंची एक्स्ट्रा कर सकते हो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक इंच यहाँ से एक्स्ट्रा पे निशान लगाएंगे, एक एक इंच का ही मार्जिन रखें। ये पूरा एक एक इंच का हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेके अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। कटिंग हमें यहाँ नहीं करनी है, हमें यहाँ पे स्टिचिंग करनी है, यहाँ पे हमें कटिंग करनी है। इस तरीके से अब हम जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उस पर हम ये कटिंग करेंगे। अभी आप देख सकते हैं 7 इंच हमारा आ गया, तो हमें ये वाला नेक कितना करना है, 6.5 इंच हमें ये तैयार करना है। तो हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि हमारा स्टिचिंग में चला जाएगा इतना। ठीक है, तो हमारा परफेक्ट 6.5 इंच हमारा तैयार आ जाएगा। अब इसी नेक को हमें 7 इंच तैयार करना होता तो हम 7.5 इंच ले लेते, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। आप इस तरीके से कंफ्यूज मत हो जाना कि हमने यहाँ पे 1/2 इंची एक्स्ट्रा ले लिया और अब ऊपर वाला मार्जिन वाला नहीं लेंगे। मार्जिन वाला हमेशा आपको 7 रखना, कोई भी नेक बनाओगे आप, राउंड बनाओ, वी बनाओ या फिर कोई भी, 1/2 इंच 0.5 इंच आपको एक्स्ट्रा स्टिचिंग वाला तो लेना ही लेना है। उसके बाद उसके अलावा आपको 1/2 इंच वी वाले नेक में और एक्स्ट्रा लेना। तो वी वाले नेक में हमेशा क्या करेंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 1/2 इंच ऊपर स्टिचिंग का और 1/2 इंच हमारा एक्स्ट्रा रहेगा। ठीक है, तो ये चीज सबको क्लियर हो गई होगी। अब देखो इसमें आपका, अगर मैंने अब फोल्ड करके प्रॉपर 2.5 इंच का निशान लगाया, प्रॉपर अपनी शेप दी है, प्रॉपर हमारी ये वाली शेप भी हो गई है। ठीक है, अब ये हमारा सेंटर पॉइंट है। ठीक है, तो फिर हम इस निशान को उठा के दूसरी साइड भी लगा देंगे, इस तरीके से खोलेंगे और इस तरीके से हम ये बराबर रखेंगे। देखो कई बार मिस्टेक कैसे हो जाती है, जैसे ऊपर नीचे हो गया या फिर इस तरीके से, तो मिस्टेक हो जाती है। हम इसको सबसे पहले तो ऊपर वाले को बराबर रखेंगे इस तरीके से, और नीचे वाले को भी आप देख सकते हैं बिल्कुल हमारा जो ये सेंटर कॉर्नर, ये भी हमने बराबर रखा है। अब आप दोनों साइड से देखेंगे तो आपका बराबर बिल्कुल इक्वल आएगा। इस तरीके से करेंगे, सबसे पहले हमें यहां से बिठाना है अपना सेंटर, उसके बाद हम इस तरीके से कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं दूसरी साइड भी हमारा निशान आ जाएगा, और हम ये निशान डार्क कर देंगे थोड़ा इस तरीके से। अब मैं अपनी सिलाई बराबर प्रॉपर करूंगी तो मेरा इधर उधर नहीं होगा। और अब हम प्रॉपर इसको फैब्रिक के ऊपर भी किस तरीके से स्टिच करेंगे, चलो वो भी देखते हैं। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें बीच वाला गला कटिंग नहीं करना है, क्योंकि बीच वाला जब हम गला कटिंग करते हैं तो हमारा इधर उधर हो ही जाता है। ठीक है, तो हमें परफेक्ट इसको इस तरीके से ही रखना है। अब हमें क्या करना है, अपना जो ये बाहर वाली सिलाई है उसको इस तरीके से एक एक पैर की हम स्टिचिंग करेंगे। इस तरीके से हम इसको स्टिच करेंगे। और स्टिचिंग जब भी करेंगे हम अपनी दो उंगलियों से इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और एक उंगली से इस तरीके से। अब जो हमारा कॉर्नर आएगा उस पर हम पहले ही इस तरीके से फोल्ड कर देंगे ताकि हमें आगे परेशानी ना हो। सुई को अंदर रख के, सुई को अंदर रखेंगे, इसको घुमाएंगे और इस तरीके से स्टिच करेंगे। इससे ज्यादा हमें मार्जिन नहीं रखना है, बस इतना ही रखना है। अब 0.25 जितना हमने फोल्ड कर दिया है, 0.5 इंची का हमारा मार्जिन रहेगा एक्स्ट्रा। अभी आप देख सकते हैं ये हमारा रेडी हो गया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का हाफ पे जो हमारा बीच सेंटर है ये वाला, इस तरीके से बीच सेंटर लेंगे और यहाँ पे हम कट लगा लेंगे इस तरीके से। अब हमारा ये कट लग गया है बीच सेंटर का, ठीक है, और ये वाला हमारा बीच सेंटर नीचे की तरफ आएगा। तो हम अपना जो मेन फैब्रिक है ये उस पर भी सेंटर पे निशान लगाएंगे और ये भी सेंटर को, दोनों को अभी हम मिला देंगे।
अभी आप ये देखिए, हमने इसको भी प्रेस कर लिया है, इस तरीके से खोलेंगे। अब ये देखिए हमारा मेंस, ये जो है ये बीच सेंटर का हमारा ये है और बीच सेंटर ही हमारा ये है। इसको अच्छे से आराम से इस तरीके से मिलाएंगे और आप नीचे भी अब देख सकते हैं हमारा प्रॉपर बीच सेंटर यहाँ पे भी मिल चुका है। अब हम इस पे को सीधी सिलाई से स्टिच करेंगे। अब इस अगर हम इस तरीके से बीच सेंटर लेके स्टिच करते हैं तो हमारा सारा ही इक्वल रहेगा, इधर उधर होने की कोई टेंशन ही नहीं है। अब यहाँ और हमेशा ये भी चीज ध्यान रखें, जब हम इस तरीके से ज्वाइंट करते हैं ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि इक्वल आपका इधर रहना चाहिए और इक्वल ही इधर रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ज्वाइंट कर रहे हो और आपका इस तरीके से 0.25 भी जितना भी अगर ऊपर नीचे फैब्रिक हो गया तो आपका गलत हो जाएगा। तो अब हम पहले बीच वाली सिलाई स्टिच करते हैं। इस वाली सिलाई को हम थोड़ा बड़ा करके स्टिच करेंगे, दोनों तरफ अपने हाथ रखेंगे, अब हमें बिल्कुल नीचे तक सिलाई नहीं लेके जाना है, अभी हमने जहां पे निशान हमारा था प्रॉपर वहीं तक लेके जाएंगे। और अब हम इस साइड, अब आप देख सकते हैं मैंने यहीं तक रखा है और ऊपर भी आप देख सकते हैं बिल्कुल हमारा फैब्रिक इसी तरीके से रखना है, ठीक है, दोनों को इक्वल, अब बिल्कुल ये बराबर रहेगा। अब हम यहां से अपना स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। अब हम सिलाई अपनी बारीक कर लेंगे और इस तरीके से सिलाई लगाएंगे, जहां पे हमारा निशान है वहीं पे हम इस तरीके से सिलाई लगाते हुए आएंगे। जहां पे आपका राउंड आता है हल्का सा पैर को उठाएंगे और इसको घुमा देंगे। अब आप देख सकते हैं आपका इक्वल बिल्कुल बराबर है फैब्रिक भी और आपकी पेस्टिंग भी। अब दूसरी साइड से हम इधर से लगाना स्टार्ट करेंगे, इसको भी हमें ऊपर से बिल्कुल बराबर रखना है और अपने फैब्रिक को और पेस्टिंग को इस तरीके से करेंगे। यहां से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। जहां पे हमारा प्रॉपर निशान है वहीं से हम लगाना स्टार्ट करेंगे और इस तरीके से लगाते जाएंगे। जहां पे राउंड आएगा हल्का सा हमें फैब्रिक को अपनी पेस्टिंग को इस तरीके से घुमाना है। और इसमें भी ध्यान रहे आप इधर ही लाके अपने जो धागा है उसको कट नहीं करेंगे, उसको थोड़ा आगे लाके और थोड़ा हल्का सा ऊपर लेके जाके तब हम इसको कट करेंगे। अभी हम हल्का सा ऊपर और लेके जाएंगे और अब इसको हम कट करेंगे। अभी आप देख सकते हैं प्रॉपर हमारा ये भी सेंटर मिला हुआ है, ये भी प्रॉपर हमारा सेंटर मिला हुआ है। हम इस तरीके से भी अपने फैब्रिक को कट करने से पहले चेक करेंगे कि हमारा ठीक है या नहीं है, क्योंकि कटिंग करने के बाद कोई ऑप्शन नहीं है, उससे पहले आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। अभी आप देख सकते हैं ये भी हमारा बराबर इक्वल आया है, यहां से भी हमारा बराबर इक्वल आया है, सेंटर भी हमारा बराबर इक्वल ही आया है और इधर से भी आप देख सकते हैं हमारे कट टू कट भी बराबर ही आए हैं, ठीक है, और ये भी हमारा पूरा ही बराबर आया है, ठीक है। तो अब हम इसको कट कर सकते हैं। कटिंग हमें कहां से करनी है वो भी देखिए। अभी हमें इसको कट कहां से करना है, बिल्कुल एक पैर का मार्जिन देते हुए हमें इसको कट करना है। एक एक पैर के मार्जिन पे हम इसको कट कर देंगे। हमें ज्यादा भी फैब्रिक नहीं कट करना है और कम भी नहीं करना है। ज्यादा करेंगे कम करते हैं तो हमारा हमें कट लगाने की नीड पड़ती है, अदरवाइज हमें अब कोई भी कट लगाने की नीड नहीं है। हमें बस कट कहाँ लगाना है, जो हमारा कॉर्नर बनता है यहाँ पे। और यहाँ पे ध्यान रहे जब भी आप कट लगाएं आपका धागा ना कटे। अभी आप देख सकते हैं हमारा इस तरीके से ये कट लग चुका है। अब हमें क्या करना है, ऐसा तो नहीं है कि हम इस सिलाई को इसी तरीके से छोड़ देंगे या फिर हम यहाँ पे इसी तरीके से हेमिंग कर लेंगे। अगर हम इस तरीके से करते हैं तो हमारा खुलने का भी डर रहता है, मार्जिन वैसे ही हमारा कम है। तो हम अब क्या करेंगे, जो हमारा मार्जिन है उसको अंदर की साइड ही रखना है और अपने फैब्रिक को इस तरीके से
फोल्ड करना है, ठीक है। अब हम दूसरी स्टिचिंग इसके ऊपर लगाएंगे, लेकिन ध्यान रहे जो हमारा ये मार्जिन है ये हमारे जो पेस्टिंग है उधर की साइड ही रखना है, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे हम स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे जो कि हमारे बिल्कुल इसके टॉप पे लगेगी। नीचे वाली जो हमारी ये है पेस्टिंग है एक्स्ट्रा जो हमने कटिंग में रखा था उसको हम पेस्टिंग की साइड ही रखते हुए इसको धीरे धीरे हम इसको स्टिच करेंगे। रोक दे, देख ना है। अब आप देख सकते हैं हमारा बीच सेंटर आ चुका है, फैब्रिक हमारा इधर की साइड है। अब मैं क्या करूंगी, इस वाले फैब्रिक को बिल्कुल इस तरीके से उठा के और यूं रखेंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे आपका जो सिलाई लग रही है बिल्कुल सेंटर पे ही लगनी है। इस तरीके से हमारी सिलाई। अब हमारा नेक जो है बिल्कुल फिक्स हो गया है और अब आप देख सकते हैं और बिल्कुल पक्का भी हो गया है। अब हम इसके ऊपर स्टीम प्रेस भी कर सकते हैं, विदाउट प्रेस के भी आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारा ये बैठ जाएगा। और अब आप अंदर वाली फिनिशिंग भी देख सकते हैं, अंदर वाली भी हमारी प्रॉपर फिनिशिंग के साथ आएगा। ऐसा नहीं हम इसको एक्स्ट्रा ज्यादा भी रखेंगे, ज्यादा भी नहीं रखना और कम भी नहीं रखना, हमारा पौना पौना इंच का हमारा इजीली आ जाएगा। तो हमारा इस तरीके से ये बन के नेक रेडी हो गया है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं ये हमारा नेक बन के रेडी हो गया है, ठीक है। इस तरीके से आप प्रॉपर फिनिशिंग के साथ अपना नेक बना सकते हैं। और ऐसा नहीं है वी नेक, आप कोई भी नेक बनाए सबका ही हमारा मेथड यही रहेगा। स्टार्टिंग बेस हमें यहीं से करना है, सबसे पहले बीच सेंटर लेना है। बीच सेंटर लेने के बाद जहां पे हमारी मार्किंग है वहीं से हमें अपना स्टिच करना स्टार्ट कर देना है। दोनों साइड से स्टिच करने के बाद एक एक पैर हमें कटिंग कर देना है। कटिंग करने के बाद हमें एक और स्टिचिंग लास्ट में लगानी है ताकि हमारा, अब आप देख सकते हैं इसको हम इस तरीके से खींचते हैं, खींचने के बाद भी ये कहीं नहीं जाएगा। तो हमारी दूसरी जो स्टिचिंग है सेकंड स्टिचिंग हमें लगानी जरूरी है। अब आप देख सकते हैं ये हमारी बिल्कुल पेस्टिंग के साथ इधर ही आई है। तो आज की आपको हमारी क्लास समझ में आई है नहीं आई है, आज की क्लास आप सबको कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना, और आज नया क्या सीखने को मिला है ये भी कमेंट जरूर करना। आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।